ओके सो हे गाइस, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। सो गाइस, मेरा नाम है करण एंड आज के इस नए वीडियो में गाइस मैं आप सभी को सिखाने वाला हूं गाइस कुछ इस टाइप की न्यू सोलमेट फोटो एडिटिंग। सो गाइस, इस फोटो एडिटिंग में गाइस मैं कुछ बैकग्राउंड पिंजेस के मैं यूज करूंगा, जिन सभी का लिंक जो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगा, तो आप लोग जो है इजीली वीडियो देखने के बाद जगह डाउनलोड कर सकते हो। एंड गाइस, आप सभी को बस करना है क्या गाइस, आप लोगों को जो बस वीडियो को ध्यान से देखना है। एंड गाइस, बस आप लोगों को जो भी मैं स्टेप बताऊंगा आपको उसको ध्यान से देखना है, एंड उसके बाद आपको जाके अपनी फोटो को एडिट करना है, ठीक है? तो बाकी गाइस, अगर अभी तक आप सभी ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, और अगर चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो। बाकी चले गाइस, आज के इस नए वीडियो को हम बिना किसी रुकावट के स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइस, आप सभी को सबसे पहले तो गाइस इस बैकग्राउंड को डाउनलोड करना है, इसका जो लिंक है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। देन गाइस, आपको क्या करना है गाइस, आप लोगों को जाना है ऐड फोटो में। गाइस, यहाँ से आप सभी को ऐड करना अपने मॉडल का पीएनजी, ठीक है? तो यहाँ पे आपको दो तरीके का मॉडल ऐड करना है, ठीक है? जो कि पहले आपको जो है मतलब लेट के एक फोटो क्लिक करवाना है, कुछ स्टेप्स आपको उसको पहले लेना है, ठीक है? एंड इसको जो आपको पहले बैकग्राउंड में ऐसे ऐड करना है, एंड उसके बाद अभी डन नहीं करना है आप सभी को, ठीक है? आपको ऐड फोटो में जाना है उसके बाद, एंड जो साइज वगैरह है वो गाइस कुछ स्टेप्स से रखना आपको, ठीक है? तो मतलब आप बैकग्राउंड के हिसाब से देख लेना आप हाइट वगैरह, एंड उसके बाद आपको फिर क्या करना है, यहाँ पे गाइस जाना आप सभी को ऐड फोटो में यहाँ से, ठीक है? अभी डन नहीं करना है, बस आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। आपको जाना है दूसरा मॉडल जो है आपका ये वाला, आपको उसको लेना है, ठीक है? तो उसको हम ऐड कर लेते हैं यहाँ पे। एंड गाइस, इसमें जो है थोड़ा सा गाइस इरेज करते वक्त ना यार थोड़ा सा मतलब कि जो आगे का जो पैर है भाई के थोड़े से वो कटे हो गए हैं तो गलती से, तो गाइस उसको इसको इग्नोर करना, ठीक है? तो मतलब उसको ज़्यादा ध्यान मत देना। तो अभी हम मेन जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा मॉडल का, ठीक है? तो उसको हम यहाँ पे इरेजर टूल में जाकर जो थोड़ा सा आगे का फ्रंट वाला एरिया उसको हम यहाँ पे इरेज कर लेंगे, क्योंकि जो हमारा मॉडल है वो हमारा मतलब पीछे की साइड में बैठा हुआ है, ठीक है? तो ये दिखाना है हमें, तो आगे वाला जो एरिया इसको हम इरेज कर लेंगे, ठीक है? तो इतना करने के बाद जो है आपको जो दूसरा मॉडल होगा जो बैठा होगा उसका गाइस आपको ओपेसिटी यहाँ पे कम रखना है, क्योंकि गाइस वो जो है सोल है, ठीक है? तो सोल है तो उसका तो हमें तो ओपेसिटी यहाँ पे कम रखना पड़ेगा ना, तो आप हम इसकी ओपेसिटी जो यहाँ पे इतना रख लेंगे। एंड इतना कर देने के बाद आपको ये करना है इसमें अभी थोड़ा सा मतलब इसमें एडजस्टमेंट करनी है, तो हम यहाँ से एडजस्ट में जाएंगे, एंड उसके बाद जो इसमें थोड़ी सी ब्राइटनेस हम इसकी जो है यहाँ पे कम करेंगे, ब्राइटनेस कम करेंगे, एंड जो कॉन्ट्रास्ट है गाइस, ठीक है? कॉन्ट्रास्ट है जो इसको हम यहाँ पे इसको हम रखते हैं यहाँ पे माइनस में, ठीक है? तो माइनस में रखने से भी, एंड यहाँ पे जो आपका हाईलाइट है, हाईलाइट को जो है गाइस यहाँ पे कम रखना है ताकि जो है ब्राइट ना हो, ठीक है? तो हाईलाइट को कम रखते हैं, एंड इसके बाद जो शेडो है, ठीक है? तो उसको मैं कुछ नहीं छेड़ना, आप इसको डन करते हैं यहाँ पे। अब आप सभी को जाना दोबारा ऐड फोटो में, एंड गाइस यहाँ से ऐड करना आप सभी को एक ब्लैक कलर की शीट, क्योंकि गाइस हमें इसमें बनानी है भी शेडो। तो इसके लिए करेंगे हम जाएंगे रिजर टूल में, एंड इसको यहाँ पे इन्वर्ट करेंगे, एंड ब्रश लेंगे यहाँ से, ब्रश को क्या करेंगे, ब्रश का साइज इंक्रीज करेंगे, एंड आप हम फोटो को जूम करेंगे, एंड फोटो को जूम करने के बाद जो है गाइस यहाँ से हम जो है इसमें एक शेडो क्रिएट करेंगे कुछ इस टाइप से। तो हम यहाँ पे शेडो क्रिएट करते हैं फटाफट, एंड मैं बताता हूँ आपको आगे का प्रोसेस। तो गाइस शेडो वगैरह जो हमारी क्रिएट हो चुकी है, तो यहाँ पे हम इसको क्या करेंगे, इसकी जो ओपेसिटी यहाँ पे हम इसको कम कर लेंगे, एंड उसके बाद आपको फिर क्या करना है, आपको यहाँ पे सिंपली डन वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है, एंड यहाँ से थोड़ा सा इसमें एडजस्टमेंट करनी है, थोड़ा सा मॉडल के ऊपर जो आपको जो मॉडल लगा जिसका थोड़ा सा ब्राइटनेस इसमें कम कर लेंगे, एंड जो कॉन्ट्रास्ट है इसको भी हम थोड़ा यहाँ पे प्लस माइनस की तरफ रखेंगे, एंड जो यहाँ पे जो हाईलाइट्स हैं, हाईलाइट को जो है हम यहाँ पे इसको हम थोड़ा सा यहाँ पे माइनस कर लेते हैं, तो हाईलाइट भी माइनस कर लेंगे, एंड जो शेडो है इसको हम यहाँ पे इसको भी हम यहाँ पे थोड़ा माइनस करेंगे हल्का सा, ठीक है? तो यहाँ पे इतना परफेक्ट है। अब यहाँ पे क्या करना है आप लोगों को, अब यहाँ पे ज़्यादा कुछ छेड़ना नहीं है आप सभी को, ठीक है? तो आप चाहो तो अब यहाँ से इजीली डन कर सकते हो फोटो को, तो अब हम यहाँ पे डन करते हैं। अब यहाँ पे हम जाएंगे अगेन ऐड फोटो में, एंड ऐसे ऐड करेंगे एक पार्टिकल का पीएनजी। तो उसके लिए करेंगे हम ऐसे आएंगे ऐड फोटो में, पार्टिकल का इस बाद में लगाएंगे, पहले लगाएंगे हम शेडो, ठीक है? क्योंकि साउल है हमारा उस पर भी शेडो लगाना है, तो पहले शेडो लगाते हैं फिर लगाएंगे पार्टिकल। तो आपको जो ये पीएनजी लगाना है कुछ इस तरीके से, एंड इसको जो लगा के आपको फुल स्क्रीन कर देना है इजीली, आपको जिस टाइप से ऐड हो जाएगा, एंड उसके बाद जो आपके दूसरे मॉडल के ऊपर जो पार्ट आएगा आपको सिंपली इसको रेज कर लेना है, ठीक है? तो इरेजर टूल में जाएंगे, एंड ऐसे जो हम इसको यहाँ पे रेज कर लेंगे, तो इतना परफेक्ट है। अब यहाँ पे क्या करना है आप लोगों को, आप यहाँ पे सिंपली आपको डन वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है, इसको ईजिली कर देना है डन, ठीक है? तो कुछ भी छेड़ना नहीं है इसमें। अब आपसे होगा इसमें ऐड करना है एक आपको पार्टिकल का पीएनजी, तो यहाँ पे हम चलते हैं ऐड फोटो में, एंड यहाँ से इसको ऐड कर लेते हैं, एंड इसको ऐड करने के बाद जो आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको इसका ब्लेंडिंग मोड चेंज करना है, इसको करना स्क्रीन, एंड उसके बाद इसको फुल स्क्रीन करना है, एंड थोड़ा सा ना जूम कर लेना ज़्यादा ही थोड़ा, ठीक है? ताकि जो दिखे। तो इसके बाद जो आप सबको क्या करना है, इसकी ओपोसिटी यहाँ पर थोड़ी कम कर लेनी है, रिजर टूल में जाकर जो बॉडी के ऊपर एरिया आ रहे होंगे उनको आपको इरेज कर लेना है जैसे कि ये, ठीक है? तो अब इतना परफेक्ट है। अब हम इसको कर लेते हैं यहाँ पे डन। अब गाइस हमारा पिक्सआर्ट का जो काम है यहाँ पे जितना भी वो खत्म हो जाता है, तो अब इसको हम यहाँ पे सेव कर लेते हैं, एंड इसको लेके चलते हैं हम लाइट रूम ऐप में। लाइट रूम ऐप में ले जाने के बाद गाइस आपको करना है, आपको जाना है इस लाइट वाला ऑप्शन में। लाइट वाला ऑप्शन में जाने के बाद जो इसका कॉन्ट्रास्ट, तो कॉन्ट्रास्ट को यहाँ पे इंक्रीज करना है, हाईलाइट जो है हाईलाइट को यहाँ पे कम करना है, शेडो जो है आपको इसको इंक्रीज करना है, एंड जो वाइट है इसको यहाँ पे आपको कम करना है, ठीक है? वाइट को कम करना है, जो ब्लैक है इसको यहाँ पे बढ़ाना है हल्का सा। फिर उसके बाद जाना आपको यहाँ पे कलर्स में, कलर्स में जाना है वाइब्रेशन को बढ़ाना है, टेम्परेचर को यहाँ पे कम करना है, फिर जाना आपको कलर मिक्स में, ठीक है? यहाँ पे ऑरेंज कलर सेलेक्ट करना है, थोड़ा सा सैचुरेशन माइनस करना है, एंड उसके बाद आपको यहाँ पे ल्यूमिनस बढ़ाना है, ठीक है? इतना हो जाने के बाद आपको लेना है येलो कलर, आपको इसका सैचुरेशन माइनस करना है, एंड उसके बाद ग्रीन कलर लेना है, इसका भी सैचुरेशन माइनस करना है, एंड उसके बाद जाना आपको डार्क ब्लू में।
ठीक है, डार्क ब्लू में जाना है, इसका सेचुरेशन यहाँ पे माइनस करना है, ठीक है, इजीली इतना कर देना है। एंड उसके बाद आपको यहाँ पे सिंपली कर देना फोटो को डन, ठीक है। तो यहाँ पे सेचुरेशन का भी कम कर लेते हैं पर्पल कलर का, एंड डन करना है। फिर आपको जाना है ऐसे नीचे वाले टूल में, आपको यहाँ पे फोटो की जो क्लियरिटी है इनको इसको इंक्रीज करना है, फोटो में विग्नेट डालना है, ठीक है, इस फोटो में विग्नेट जरूर डालना आप लोगों को। एंड उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करना है, आपको मिलेगा यहाँ पे ग्रेन अमाउंट, आपको उसको बढ़ाना है। एंड जाना आप सभी को फिर नीचे वाले टूल में, आपको यहाँ पे इस फोटो की जो शार्पनेस है इसको इंक्रीज करना है। एंड इसमें मिलेगा आपको नोट रिडक्शन, आपको उसको बढ़ाना है। एंड इसके नीचे मिलेगा आपको कलर नोट रिडक्शन, आपको उसको भी बढ़ा देना है। तो गाइस फाइनली हमारी जो फोटो यहाँ पे कंप्लीट एडिट हो चुकी है। तो गाइस आशा करता हूँ और आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो और वीडियो को एक लाइक जरूर करना, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी चलिए गाइस मिलता हूँ सबसे किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।